और सबसे बड़ा मिलान की स्कॉलरशिप का फ़ायदा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपने बस ये बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ उन्होंने एक लिस्ट है आप तीन लाख रुपए कर लें पाकिस्तानी तीन लाख के अंदर इटली भाई कौन आ सकता है मुझे आप बताएं अगर कोई आ सकता है तो भाई वो स्टूडेंट ही आ स्कॉलरशिप कितनी है टोटल सेवेंटी टू और उसकी ब्रेक जैसे मैंने पहले की थी हाँ। अकोमोडेशन के, मील्स मील्स के हैं, की ये साल के बाद नहीं वापस तो नहीं भेजते उसके बाद जॉब सीकिंग वीजा मिलता है एक साल चार यूनिवर्सिटीज के नाम लूँ तो उनमें अभी जहाँ ओपन है यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरीनो है ठीक है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे एक और मुनफर्द और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आप दोस्तों के साथ आज शेयर करने वाले हैं मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शहरोज भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है जी हाँ रिसेंटली ये लाहौर मूव कर चुके हैं तो इसलिए मैं लाहौर कह रहा हूँ ये अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको डस्का बता रहे होते हैं तो जनाब आज इनसे जानेंगे कि ये कैसे पाकिस्तान से मास्टर बेस के ऊपर इटली के अंदर इटली यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे इन्होंने एडमिशन हासिल किया और कैसे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप uh, के ऊपर एडमिशन हासिल करके इटली के अंदर आ सकते हैं और जैसा कि अभी दिसंबर चल रहा है और एडमिशन भी स्टार्ट है तो आइए आज जानते हैं इनकी ज़ुबानी इन्हीं से सबसे पहले तो असल वाईक अदील भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी से बहुत शुक्रिया अच्छा आप रोज़ Uh, दोस्तों को जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी मास्टर किया है या जो इस ईयर में करेंगे आप ये बताएं अपनी स्टोरी के बारे में कि कैसे आपने स्टार्टअप लिया और क्या क्या चीज़ें आपने की और क्या डिफ़िकल्टीज आपको आई स्टार्टिंग के ऊपर तो मैंने तो जब जी सी यूनिवर्सिटी फैसला से अपना बैचलर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट भी मैंने देखा जो मेरे सीनियर्स थे वो बाहर जा रहे हैं कोई जर्मनी जा रहा है तो कोई इवन यू जा रहा है तो तब से ही एक ड्रीम तो बन गया था कि यार बाहर जाना है ये नहीं पता था कहाँ जाना है कैसे जाना है पर जाना है पर दो तीन साल फर्स्ट जो थ्री ईयर्स से बैचलर्स के तब कुछ उस पर वर्किंग नहीं की क्योंकि तब तो या था चलो यूनिवर्सिटी लाइफ है तो, मतलब बड़ा टाइम है तो फिर ल, फोर्थ ईयर में रियलाइज़ हुआ कि अब थोड़ा शुरू कर देना चाहिए तो फिर भी लास्ट सेमेस्टर में जाके मार्च में मैंने एड्स दिया है। उसके एक हफ़्ते बाद लॉकडाउन हो गया तो, लाइक वहाँ से मुझे फीलिंग आई कि यार लक इज़ ऑन माई साइड के अगर मैं ये एक हफ्ता एक हफ्ते तक आइल्स ना दिया होता तो मैं तीन महीने तक नहीं दे सकता था तो उससे एक मोटिवेशन मिली एक आइल्स में फिर थोड़ा स्कोर भी अच्छा आ गया इसलिए इसलिए भी मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में ये कहता होता हूँ कि आइल्स मैंडेटरी नहीं भी है ना किसी यूनिवर्सिटी के लिए फिर भी आप कोशिश करो पहला स्टेप आप आइल्स दे लो उसमें अगर आपके ठीक बैंट्स आ जाएंगे तो आपका खुद ही दिल करेगा कि इसे अब यूटिलाइज करना है कि अब मैं आइल्स दिए कि भी अगर कहीं ना जाऊँगा तो फिर तो फ़ायदा नहीं तो मेरी तो ये स्टार्टिंग थी फिर कोविड में घर बैठे हुए थे यूके की यूनिवर्सिटीज़ इटली की यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ किसी कोई नहीं छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा पर फिर ऐसा ऐसा पता चला कि अफोर्डेबिलिटी के, के हिसाब से और अच्छी एजुकेशन के हिसाब से भी इटली एक बेहतर ऑप्शन लगने लग गया तो फिर इधर मुझे एक मेरिट बेस् स्कॉलरशिप भी मिल गई पीसा में ठीक है तो अभी तो आपने बताया शुरू में कि मैं मिलान, मिलान में, में। हूँ पर शुरू में मैं मिलान में नहीं आया था मैं पीसा में।, में आया था तो उधर ये सीन था कि मेरे लास्ट मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो उस वजह से मैंने कहा कि और तो अब इस साल मेरे पास और ऑप्शंस नहीं है तो जो ये ऑप्शन मिली है इसी को वेल करता हूँ पर उसका एक थोड़, थोड़ा छोटा सा लूप होल था जी। पहले तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई वो स्कॉलरशिप बहुत कम्पेटिव थी एक साल में दो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं सारा मतलब तब, तब तक सब ठीक था पर बाद में मुझे पता चला कि साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ पीसा में भी इन होना है जो तो स्कॉलरशिप मिली थी वो एक सेंटेना स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ है उन्होंने दी थी तो फिर जब मैं उसमें इनरोल होने लगा मुझे पता चला उधर तो सब्जेक्ट इटालियन में तो देट वॉज लाइक अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी मैंने कहा यार अब क्या करूँ इटालियन में तो नहीं मैं पढ़ सकता, पढ़ सकता। है कोई भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल तो मैंने फिर कुछ सीनियर्स थे जिनसे मैं इन टच था उनसे मशवरा लिया तो सारों ने मुझे कहा यार इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट का सीन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आ रहे है। तो इसलिए तुम्हें अगर मेरिट बेस् स्कॉलरशिप मिली है ना तो मिस ना करो चांस अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारा साथ दे यूनिवर्सिटी मेरा साथ इस तरह दे रही थी कि दे अलोड मी टू गिव ऑल द एग्जाम्स इन इंग्लिश ठीक है डिस्पाइट के वो इटालियन में पढ़ाए जा रहे हैं उन्होंने सारे प्रोफेसर को कहा कि यार इसके आपने एग्जाम्स इंग्लिश में लेने हैं और आ, मैं कभी भी उनके साथ मीटिंग्स रख सकता था ईमेल करके मेरे ये क्वेश्चन आप वो दूर कर दें ये स्पेशल ट्रीटमेंट एक मिल रहा था पर फिर भी इस इस सब के बाद फिर मैंने डिसाइड किया सही है जाता हूँ और सीनियर्स uh, की बात ठीक थी मुझे वीज़ा आसानी से मिल गया बैंक स्टेटमेंट भी मुझे कम मैंने सिर्फ नौ लाख ,00 की स्टेटमेंट दिखाई थी और आपको पता होगा बीस लाख ,00 तक दिखानी पड़ती है नॉर्मली अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ना हो तो, तो फिर मैं इधर आ गया पर इधर आके एक पॉइंट पर आके मुझे समझ आ गई कि यार इतना आसानी है स्पेशली जब मैंने इन प्रेजेंस में क्लासेस लेना शुरू की इटालियन में प्रोफेसर बोल रहा है सारे नोट्स बना रहे और मैं देख रहा हूँ कुछ इंग्लिश में लिखा हो स्लाइड्स में तो फिर मैंने डिसाइड किया यार नहीं मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से बात की कि मैं मिलान या रोम में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ तो अगर आप इजाज़त दें तो कैन आई कैरी ऑन तो दे वर सुपर नाइस उन्होंने कहा यार तुम्हारी जिंदगी का सवाल है हमने तो चलो तुमने कुछ देखा था तो हमने तुम्हें सेलेक्ट किया था पर वही इटालियन वाले मसले की वजह से ना इसमें अब हमारा उत, पूरा कसूर है हाँ। ना तुम्हारा पूरा कसूर है तो तुम्हें जो बेहतर लगता है वो करो दे सपोर्टेड मी और एंड तक मैं उनके हॉस्टल में सिंगल रूम में ही रहा जो मुझे पहले दिन से मिला हुआ था उन्होंने बस मुझे कहा था मैं एक दिन पहले बता देना और फिर चले जाना फिर मैं उधर से मेरा मिलान में एडमिशन हुआ इधर रोम में भी हुआ पहले थोड़ा रोम जाने का रहता था पर एंड पे मैंने जब कॉन्स कॉन्स हाँ, मैंने कंपेयर तो मुझे लगा मिलान बेटर ऑप्शन तो फिर मैं 2021 के शुरू में इधर आया था कोविड की वजह से हुआ हुआ अच्छा, अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स की अभी कहाँ अभी इस वक्त एडमिशन ओपन होना स्टार्ट ही हुए क्योंकि हर साल इटली में एडमिशन नवंबर से स्टार्ट होते हैं ओपन होना क्योंकि इधर एक ही इन है इधर सिर्फ सप्टेम्बर इनटेक है एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फेबर इनटेक भी है उनमें पोली भी है पर उसके एडमिशन बड़ी जल्दी ओपन हो जाते हैं तो वो क्लोज हो गए हैं अभी सारा सिर्फ जो ऑप्शन हैं वो सेप्टेम्बर इनटेक की ही हैं तो अभी मैं अगर तीन चार यूनिवर्सिटीज़ के नाम लूँ तो उनमें अभी जहाँ ओपन है सपियनजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो है ठीक है और यूनिवर्सिटी ऑफ़ तो कुछ और भी होंगी पर मतलब ये चार अभी ओपन है सितंबर तो और और का अच्छा ठीक है अब ये बताइए कितने परसेंट आर्ट्स कि कितना चाहिए कितने परसेंट हो उसके बाद सी के ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जिन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आइल्स का पहले मैं बता दूँ कि आयल्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है इट इज़ एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए मैडेटरी भी है जैसे अभी मैं जिन यूनिवर्सिटीज का नाम लिया उनमें सेपिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है जिसके सारे बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए आपका एटलीस्ट फाइव पॉइंट फाइव होना चाहिए मतलब फाइव पॉइंट फाइव इज नॉट वेरी मच आपको इतना होना चाहिए। पर आपने दिया दिया होना चाहिए और 5.5 आया होना चाहिए क्योंकि सी जी पी ए कितना हो सी जी पी ए भी कुछ स्पेसिफाइड मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती उसकी रिक्वायरमेंट पर mm -hmm. कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अब uh, एक पोली poly, पोलीमी है आप जिधर कल थे oh. आपने स्टोरीज लगाई थी उसकी रिक्वायरमेंट है कि थ्री पॉइंट थ्री से आपका ऊपर ही होना चाहिए थ्री पॉइंट टू नाइन वाले भी नहीं कर सकते और सपियंजा का भी है इनका एक डेडिकेटेड पेज है जहाँ हर प्रोग्राम का इन्होंने सेपरेट बताया हुआ mm -hmm. किसी 3 .3 है किसी में थ्री पॉइंट थ्री या किसी में थ्री पॉइंट टू तो वो आप कोर्स पेज में मैं लिंक शेयर कर दूंगा mm -hmm. तो कोर्सेस सारे देख के उनकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आई थिंक थ्री प्लस है इस तरह की रिक्वायरमेंट है पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उधर आप सी को इस तरह कंपनसेट कर सकते हो कि आप अपनी सी वी करो उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं पर अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज करके उनकी सर्टिफिकेशन लगाइया और जो आपने सीखा है उससे वो थोड़ा तीन चार लाइन में उधर एक्सप्लेन करके सी में लिख दो ना तो उसकी भी बहुत वैल्यू और उसके अलावा मोटिवेशन लेटर अपना इम्प्रूव करने की यानी कि फिर आपने जब अपलाई करना आपको एक तो सी चाहिए हाई लेवल के ऊपर और मोटिवेशन लेटर है और उसके बाद फिर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें हैं? पहले मैं एक मोटिवेशन लेटर के बारे में बात बता दूं कि लोग अक्सर कह रहे होते हैं सर अपना मोटिवेशन लेटर शेयर कर दें मैं शेयर कर भी दूंगा तो आपका क्या फायदा है आपने अपनी लाइफ स्टोरी लिखनी है उसमें अब ये थोड़ी लिखोगे मैं डसका रहता था लाहौर पड़ा वो मेरी स्टोरी है आपने अपना बताना है मैं इधर से इंटरमीडिएट किया या इधर से मैट्रिक किया फिर इस वजह से मैंने बैचलर्स चूज़ किया और अब मैं इस वजह से आपके पास आना चाह रहा हूँ थोड़ी यूनिवर्सिटी की तरीफ़े कर दें थोड़े प्रोग्राम की तरीफ़े कर दें तो अपनी स्टोरी के बेस पे बना सकते हो आइडिया हम आपको दे सकते हैं जैसे अभी मैंने थोड़ा सा दिया है तो पर बनाना आपको खुद पड़ेगा जब, 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 जब आप अप्लाई अप्लाई करते हैं आपने ऑनलाइन ही करना है है ठीक घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ठीक है आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया था या फ्री में खुद ही किया था सब कुछ नहीं मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया था किसी भी प्रोसेस के लिए मैंने सारा खुद ऑनलाइन सर्च करके खुद किया और कहीं अगर कुछ समझ नहीं आती थी तो आई सीनियर आ, मैं उनसे पूछ लेता था उन वो पहले से ये प्रोसेस कर, कर रहे थे तो उनको आइडिया होता था बट बट ये है कि आप खुद कर सकते हो खुद कर सकते हैं और अब तो, और कितना प्रोसेस लग गया आपको टोटल इटली आने तक अप्लाई करके यहाँ तक आने में अच्छा मैंने दो हज़ार इक्कीस बीस में बल्कि किया था तो उसको अब से प्रॉपर्ली कंपेयर तो नहीं कर सकते महंगाई हुई है पर मेरे जो आइल्स में ला के टिकट के पैसे मिला के अटेस्टेशन के पैसे मिला के वीज़ा फीस मिला के जो लगे थे ना तब वो तकरीबन डेढ़ लाख थे लाख इसमें बत्तीस कोई पचास से साठ हजार आप इटली में आ और स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल गई स्कॉलरशिप मेरी पहली वो जैसा आपको बताया ना हाँ। उधर बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप थी मतलब मुझे ये मैंने अभी तक आज तक किसी वीडियो में बात नहीं बताई मुझे एयरपोर्ट पे ड्राइवर पिक करने आया था जो मेरी यूनिवर्सिटी ने भेजा था और फिर उसने डायरेक्टली मुझे हॉस्टल में ड्रॉप किया था सिंगल रूम था वो सारा सीन था और लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ थी आप कपड़े देते थे वो धुल के प्रेस, प्रेस हो गया था मतलब बहुत पर्क्स थे ब्रेकफास्ट रूम था दो टाइम का बाकी भी लंच डिनर का भी था पर मसला वही था इटालियन वाला तो उस उस वजह से मैं उधर उतना कंफर्टेबल नहीं था कि जिस मकसद के लिए आया वो थोड़ा हो रहा इधर आके डी एस यूरशिपिप उसके भी बहुत फायदे हैं पर उतना आपको लगजूरियस वो नहीं मिलता वो के होते हैं मैं इधर खुश हूँ क्योंकि इधर मेरी पढ़ाई सारी इंग्लिश में और क्यू वही होल रीजन थी इधर आने की फ्री है अब फिर इधर हमें रीजनल स्कॉलरशिप की बात शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो डी एस यू स्कॉलरशिप है तो अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिलान में एडमिशन हो जाता है अच्छा इधर मैं एक और चीज़ बता दूं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का हमने पहले नाम लिया था ना जैसे रोम है रोम आपको पता है लेजियो रीजन में है तो उनकी अपनी रीजनल स्कॉलरशिप है नाम से ही पता चल रहा है रीजनल हर रीजन की अपनी अपनी तो ये जिस स्कॉलरशिप का मैं बता रहा हूँ वो मिलान का है तो इसको आप हर तरह से नहीं कंपेयर कर सकते थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे तो वो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ तो वो अगर आपको डिटेल में जानने हुए तो आप वो देख सकते हो तो उसके अलावा हम अब दोबारा रिज्यूम करते हैं इसकी डी एस स्कॉलरशिप की बात अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एडमिशन हो गया तो और एडमिशन ओपन होते हैं मार्च में ठीक है अभी ओपन नहीं है इधर उसके बाद जुलाई में स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होगा ठीक है तो आपने उधर जाके एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और सबसे बड़ा मिलान की स्कॉलरशिप का फ़ायदा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपने बस ये बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिनमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस तरह कंट्री है कि उधर के लोग अमीर हैं वो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें वो प्रूव करें पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हम उसमें डिजर्विंग ही फॉल करते हैं और मिलान का आपको पता है इनके पास फंडिंग बाकी रीजन से ज़्यादा होती है इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक छोटी छोटी चीज़ का प्रूफ मांगे तो अभी तक तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आग, आगे आगे भी ऐसे ही रहेगा तो सिर्फ आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है बाकी फिर वीज़ा मिलना तो जरूरी है ही जब तक आप इधर नहीं आओगे बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं करवाओगे रिसीव तो नहीं होगी पर यह है कि चाहिए उसके लिए सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है ठीक है अब जब आपका सब कुछ पाकिस्तान से हो जाता है तो आप फिर वहाँ से वीज़ा कैसे अप्लाई करना है क्या सिस्टम है दोबारा वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से जो वीज़ा रेशो है वो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ये मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एम्बेसी ने ख़ुद भी किया हुआ है और कोई और रीजन भी थी अब मैं जब आया था 2020 में तब एक सेपरेट पोर्टल था जहाँ आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी होती थी एक यूनिवर्सिटली पोर्टल पे प्री रोल तो होना ही है वो भी, भी होना होता तब भी होना होता था पर एक सेपरेट सिर्फ वीज़ा डेडिकेटेड पोर्टल था तो जो उधर अप, अप्लाई करता था उसको एक से मैक्सिमम दो महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल ही जाती थी लाजमी और म, म, मैं किसी बंदे को नहीं जानता कि उस साल किसी ने अप्लाई किया और उस अपॉइंटमेंट ना मिली हो पर उससे अगले ईयर से इनको पता नहीं क्या सूझी इन्होंने वो पोर्टल ख़त्म कर दिया इन्होंने कहा हम प्री इनमेंट की बेस पे ही हम खुद बुला लेंगे आपको ठीक। तो उस साल फिर इनसे मैनेज नहीं हुआ और एक और वजह थी कोविड के आफ्टर इफेक्ट से और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपको याद होगा इक्कीस में थोड़ी वो यही थी कि इस्लामाबाद आबाद एम्बेसी में भी अफ़गानी वो बड़े जा रहे थे और उनको ये फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि उनके हालात नहीं ठीक थे तो इक्कीस में तो ये वजह बनी बाईस में भी फिर इन्होंने वो कोई पोर्टल नहीं लाया तो यूनिवर्सिटी वाला ये सीन जो 21 में था उसी पे चल, चलाया तो फिर भी इनसे रिकवर नहीं हुआ 21 से थोड़ा बेहतर था पर फिर भी बड़े स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो इस साल इन्होंने फिर ये किया कि हम उसकी बेस पे नहीं देंगे हमें आप ई मेल्स करो ठीक शुरू पर इन्होंने स्टार्टिंग ये की कि ई के, के बेस पर हम आपको देंगे तो उसका फिर ये सीन होता था

अकोमोडेशन का तो ये है कि फ़र्स्ट ईयर में मुश्किल होता है मिलना फर्स्ट ईयर में आपको ख़ुद बाहर देखना पड़ता है और जो अमाउंट है स्कॉलरशिप की वो डिवाइडेड होती है मतलब उसमें जो सात हज़ार दो सौ अमाउंट है उसमें सत्ताईस सौ पचास ग्यारह महीने का रेंट बनता है ढाई सौ के हिसाब से तो वो आपका अनलॉक तभी हो सकता है जब आप एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाओगे तो फर्स्ट ईयर में फिर थोड़ा ये uh, थोड़ी ये हैसल होती है लोगों को स्ट्रगल होती है थोड़ी घर ढूंढने में और डेडलाइन होती है उसकी अगर आप पंद्रह नवंबर के बाद आते हो तो इकतीस जनवरी अगर आप जल्दी आ जाते हो तो पंद्रह नवंबर तो ये भी एक है कि अगर आप नवंबर के फर्स्ट वीक में आ रहे हो तो बेहतर है आप पंद्रह नवंबर के बाद आ जाओ ताकि आपकी डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए तो फिर आप कॉन्टैक्ट सबमिट करवाओगे फिर आपको सत्ताईस सौ पचास दो इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलनी होती है उनमें हाफ हाफ करके मिल जाएंगे तो अगर हॉस्टल मिल जाए क्योंकि पिछला एक साल ऐसा पिछला एक साल ऐसा आया था जब ये अभी जिस हॉस्टल में आप हम रह रहे हैं आप अभी आए थे ये न्यू न्यूली बिल्ट था तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी मिल गई काफ़ी ज़्यादा को और अकोमोडेशन भी क्योंकि इनके पास बेड स्पेसिस ज्यादा थी तो उसके अलावा सताई सौ पचास तो हमने बता दिए टू हंड्रेड में से उसके अलावा उसमें से तकरीबन साढ़े सात सौ यूरो काटते हैं और अभी जो हमने लंच किया है हमने सारी एग्जाम्पल्स अभी खुद तो उस साढ़े सात सौ काट के दिन का दस यूरो देते हैं साल का आप देख लो महीने का तीन सौ बन रहा है तो काट वो कम रहे हैं दे ज्यादा रहे हैं पर वो वोचर्स की फॉर्म में मिलता है आप उससे वैसे कैश में नहीं ले सकते उसके अलावा आप जो बच गई है वो आपको कैश में मिलेगी कैश में ठीक होगा इसके अलावा जो आप पार्ट टाइम काम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम ऑप्शन हैं काफ़ी मिलान का ये भी एक अच्छा सीन है कि इधर परमेसो भी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जल्दी मिल जाता है परमैसो मींस रेजिडेंस परमिट तो वो आपके लिए आ, आपके पास वो होना ज़रूरी है इधर काम के लिए अप्लाई करने के लिए तो बाकी इधर मिलान uh, में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं एक तो डिलीवरी की जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं उसके अलावा इधर जो फ़ुटबॉल में इंटरेस्टेड है उन्हें पता होगा सैन uh, हिरो में मैचेस होते हैं ऐसे मिलान का भी वही ग्राउंड है इंटर मिलान का भी वही है तो इधर उसकी भी ओपनिंग्स आती हैं सीज़न के शुरू पे तो आप उधर अप्लाई करो तो उधर भी आपको जॉब सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है सिक्योरिटी भी लो लेवल की मतलब आपने बस खड़े होना है आपने लोगों को कहना है कि इधर ना गुजरो उधर जाओ बस मतलब ईजी सीन है तो आप मैच भी देख लेते हो और एक मैच का आपको अराउंड फोर्टी योर भी मिल जाता नहीं। नहीं। तो इसका ये है कि महीने में पाँच छः मैचेस होंगे मैक्सिमम तो बाकी दिन आप फिर कोई और अल्टरनेटिव रख लो अगर डिलीवरी करने में इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं नहीं तो एक एक्टिंग की जॉब्स भी आती हैं वो भी उनका भी है बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं होती पर वो भी महीने में आपको दो तीन दफ़ा मिल सकती हैं इस तरह स्टडीज़ के दौरान आप इस तरह के जुगाड़ कर सकते हो कि आपके आठ दस दिन लगें और थोड़ा बहुत आपका मतलब अपना पर्सनल गुजारा एटलीस्ट हो जाए या स्कॉलरशिप है तो फिर एक्स्ट्रा मनी के तौर पे वो बड़े शरोद अभी आपके देखने वाले भी जितने भी फेसबुक पे हैं यूट्यूब पे है पे जो आपको लोग जानते हैं लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं अब वो ये चाहते हैं मैंने अक्सर देखा कि स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हम किस तरह से अप्लाई करके आ सकते हैं या हमें हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है हमें आप कोई गाइड कर दें या हमें आप ये बताएँ क्या तरीका है ज़्यादातर लोगों को तरीका नहीं समझ आता जैसे आपने बताया कि ये पोर्टल है ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करके आप बाहर आ सकते हैं ठीक है स्टडी बेस के ऊपर अभी एडमिशन कब स्टार्ट हो रहा है एक दफा दोबारा बताइएगा एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज में तो स्टार्ट हो गए हैं नवंबर से मोरल स्टार्ट होते हैं है। तो बाकी आपने डायरेक्टली एडमिशन पोर्टल हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसका लिंक दिया होता है तो उधर जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है इस बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं पिछले साल भी बनाई थी अभी भी बना रहा हूँ तो आप अगर अभी भी रिसेंट वीडियोस में जाएँ तो उसमें मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन ओपन है ना इस वक्त उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके अलावा बस एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होती है फिलहाल स्टेप बाय स्टेप है लोग बहुत ही वो जल्दी मतलब में होते हैं कि आज एडमिशन अप्लाई किया कल वीजा आ जाए हाँ। <laughs> तो तो मतलब अब अब हमने कर दिया अब हमें कब मिलेगा हाँ। तो इस तरह नहीं होता पेशेंट रहना है पहले एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया उसका आउटकम आएगा इंशाल्लाह अगर एडमिशन होता है फिर सेकंड प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे प्री एनरोलमेंट करनी होती है तो उसके थ्रू आप रजिस्टर हो जाते हो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में और फिर यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर देती है आपकी डिटेल्स एम्बेसी को एम्बेसी को भी पता चल जाता है हाँ इस बंदे को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया तो फिर बाद में वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो मैंने पहले बताया कि हर साल थोड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं तो वो इस साल आलमोस्ट अप्रैल में पता चलेगा कि क्या सिस्टम होगा तो यह लेट्स होप फॉर द बेस्ट लेकिन जैसे अभी हम मिले हैं यहाँ के अंदर के स्टूडेंट्स को मिले हैं जो अभी रिसेंटली आया है एक दो महीना हुआ है

सेवेंटी टू हंड्रेड योर और उसकी ब्रेक डाउन जैसे मैंने पहले की थी कि हाँ। अकोमोडेशन के ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फिफ्टी हैं सात हज़ार दो सौ एक साल के हैं हाँ। फिर यही है दूसरे साल की आपकी बस ये रिक्वायरमेंट होती है आपने अराउंड थर्टी क्रेडिट्स करने होते हैं वो वेरी करते हैं किसी के ट्वेंटी फाइव होंगे किसी के थर्टी फाइव ऑन एवरेज थर्टी होते हैं तो वो आप सिर्फ अप टू फाइव सब्जेक्ट पास करके अचीव कर सकते हो तो आप, इतना भी मुश्किल नहीं होता आप मुझे ये बताएंगे जैसे ही आप यहाँ से डिग्री करते हैं उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं वापस जाएं या कोई वीज़ा आपको देते हैं नहीं नहीं वापस तो नहीं भेजते उसके बाद जॉब सीकिंग वीजा मिलता है एक साल का ठीक है तो उसके दौरान आप जॉब अगर आपको मिल जाए उसके थ्रू आप उसे वर्क परमिट पर कन्वर्ट कर सकते हैं या अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो आप कोई कंपनी इधर खुलवा सकते हो उसके बेस पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं पहले ही अगर आप ये डरोगे कि कल को वापस ना भेज दें <laughs> ये तो मतलब सही बात नहीं ना जबरदस्त हो गया तो गाय शहरोज भाई ने अपनी स्टोरी शेयर की जैसे कि जिस तरह से इन्होंने स्टार लिया और यहाँ आकर इतना कुछ किया फिर उसके बाद स्कॉलरशिप है ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने की और जै अपनी वीडियोज़ के अंदर हर बात क्लियरली बता रहे होते हैं कि कैसे आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं कैसे भाई देखें हर बात वीडियो के अंदर बताई है इन्होंने कि आप किस तरह से अप्लाई करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आगे स्टडी कैसे कर सकते हैं जैसे आज हमने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा भी रहे हैं कि क्या सीन है क्या सूरत हाल है यहाँ पर और अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो अभी अप्लाई कर तो भाई जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने नाम लिया वहां पर जाएं और अप्लाई करें और मास्टर के लिए आप बाहर आ सकते हैं और सिर्फ कितने पैसों के अंदर डेढ़ लाख के अंदर दो हजार इक्कीस में ये मैंने दो हजार अब, अब होगा कितना होगा, दाई, होगा? दाई, तीन लाख होगा मैक्सिम तीन आप तीन लाख रुपए कर लें पाकिस्तानी तीन लाख के अंदर इटली भाई कौन आ सकता है मुझे आप बताएं अगर कोई आ सकता है तो भाई वो स्टूडेंट ही आ सकता है और अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो जब आप किसी ना किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वो फिर आपसे चार्ज करते हैं ए वो दो तीन नहीं कहते वो कहते हैं दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख लग जाएगा तो फिर ये ये वजह क्या है कि आप खुद कुछ नहीं करना चाहते आप किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं यार आप खुद करके भी बाहर आ सकते हैं बहुत कुछ है आपके पास खुद करने के लिए और वेल बहुत शुक्रिया आपका आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं और शेरोज भाई के चैनल पर जाके आप शेरोज भाई की वीडियो भी देख सकते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं डायरेक्ट इनके इंस्टाग्राम पर जाके इनसे डायरेक्टली बात पूछें कि भाई हम ये ये सिस्टम है ये हमने अप्लाई किया या कोई इशू है आपको आया तो वो आप डायरेक्ट पूछें ये हेलो हाई असलम कहने की जरूरत नहीं है आपको बहुत जरूरी था ये मैं भी कहना चाहता हाँ। था पर आपने कह दिया तो आप शोज देखने वालों को आप को हर किसी को जो कोई पैगाम देना चाहे मैं यही पैगाम दूंगा कि बस अपना प्रोसेस स्टार्ट करें इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना करें चीज़ों को आज शुरू करेंगे तो कल को कंप्लीट होगा बस अभी अगर आप ये सोचोगे कि एडमिशन तो चाहे मिल जाए वीजा नहीं मिलना तो फिर वाकई नहीं मिलेगा कोई चांस ही नहीं होगा मिलने का तो बस अल्लाह का नाम लें और शुरू करें इनशाला सब कुछ हो जाएगा ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया आप सबका और शोर आपका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि भाई आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और होप्स हो कि आप भी अप्लाई करेंगे और ज़िंदगी में यहाँ आके इटली के अंदर आप भी स्टडी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में तब तक आप हमें दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़